हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे विटामिन ए से भरपूर हेल्दी ब्रेकफास्ट। इसके लिए लिया है हमने 250 ग्राम पालक, आधा चुकंदर और दो गाजर। अब हम पालक को मिक्सी जार में डालेंगे। इसमें डालेंगे दो हरी मिर्ची और थोड़ा सा गार्लिक, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसी तरह हम सारे पालक को हमने पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चुकंदर, इसको हम छोटे छोटे पीस करके डालेंगे और इसी में कट करके हम डालेंगे गाजर के टुकड़े, इसे भी हम छोटे छोटे पीस करके डालेंगे। इन दोनों का भी हम बारीक तो नहीं पीस पाएंगे, लेकिन इसको हम छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। इसको हम दरदरा पीसेंगे। तो फाइनली हमने इन सबको पीस लिया है और ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बाउल बेसन, एक बाउल गेहूं का आटा, तीन से चार चम्मच दही, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इन सब को मिक्स करेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। तो ये नाश्ता खाने में भी बहुत टेस्टी है और ये हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा है होता है। तो अब चलते हैं। हमने चढ़ाया है नॉन स्टिक पैन, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब हम इस बैटर को पैन में फैला देंगे। आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक पैन में ऑयल कम लगता है, इसलिए हम इसे नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप कम ऑयल में ये हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं। इसकी साइज़ में आप छोटा या बड़ा अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग से बना सकते हैं। अब इसके चारों तरफ हम ऑयल डालेंगे। और इसे उलट पलट के गोल्डन एंड ब्राउन होने तक सेकेंगे। हमारा जो चिल्ला है वो अभी पका नहीं है, इसलिए वो निकल नहीं रहा है। जब वो पक जाएगा तो वो खुद ब खुद निकल जाएगा। तो फाइनली जो है हमारा चिल्ला जो है वो नीचे से पक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल फिल डालेंगे। तो फाइनली हमारा ये ब्रेकफास्ट रेडी है, विटामिन से भरपूर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड फेसबुक पे। प्लीज़ ट्राई करें और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको ये हेल्दी रेसिपी कैसी लगी। ट्राई करें इसे धनिया गार्लिक लहसुन और टोमेटो की चटनी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ट्राई करें इस रेसिपी को। Enjoy, thank you.